मैं 12 शहर पढ़ा गया हूँ, अलग अलग राज्यों में मैं गया हूँ, पैसे की कोई तुलना की नहीं सर। अगर पैसा कमाना होता तो मैं यहाँ नहीं आता सर। ऐसा इंस्टीट्यूट है जो विद हॉस्टल है, वरना आपने देखा होगा सर यहाँ पर लोगों के पास खुद की जगह भी नहीं है। 30 से ऊपर बच्चे एक क्लास में यहाँ पर नहीं है, छोटी क्लासों में तो आप 15-20 बच्चे मान के चलिए। कि सर कोई फीस नहीं है, स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जा रहा है, एक पैसा आपसे लेंगे नहीं, जो अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा बदले में कुछ देंगे। फाइनेंस बाधा नहीं बनने देंगे सर, पैसा आपके सफलता के मार्ग में अड़चन नहीं आएगा, ये हमारा वादा है भिवानी वालों से। सर 5 तारीख को पेरेंट्स की जो सबसे बड़ी टेंशन है उसको हम खत्म कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज कमाल की बातचीत होने वाली है उन लोगों से जिन्होंने भिवानी के लिए बहुत सारा त्याग किया। और भिवानी को मैं ये कहूंगा कि गोल्डन और हीरे मिल गए हैं। गोल्डन हीरे आपने सुने, देखें तो आज गोल्डन हीरे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है प्रतीक दलाल और मिस्टर आरबी सिंह, फ्लाइंग ऑफिसर से रिटायर्ड हैं ये, और आज भिवानी में इतनी सेवाएं दे रहे हैं जिस तरीके से कि अब कमाल होने वाला है भिवानी में। और माँ बाप की टेंशन अब ये खुद लेने वाले हैं अपने ऊपर। मैं आपसे पहले तो इनकी आपको ये दिखा दूँ खूबियाँ क्या हैं। प्रतीक दलाल आपको नाम भी दिख रहा होगा, अन अकेडमी से इतना बड़ा अवार्ड, 10-10 मिलियन तक बच्चे इनसे पढ़े हैं और पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं आज बड़े ऑफिसर लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ यूट्यूब का इतना बड़ा अवार्ड है वो भी वहाँ आपको दिख रहा है। ये इतना इजीली नहीं मिल पाता, भिवानी के लिए एक अवसर है ये, इसकी तलाश हर पेरेंट्स कर रहा है कि मेरे बच्चे को कहाँ भेजूँ ताकि उसका भविष्य सुधर सके और भविष्य सुनहरा हो चुके। तो फिलहाल बात करने वाले हैं कि टेंशन दूर होने वाली है और एक 1 तारीख तय की गई है। प्रतीक दलाल जी क्या कमाल। सर 5 तारीख को पेरेंट्स की जो सबसे बड़ी टेंशन है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। 5 तारीख को एक सबसे बड़ा ओपन सेमिनार हम लोग कर रहे हैं और इस सेमिनार में बच्चों के लिए जितने जितने ऑप्शन होंगे, किस भी फील्ड में वो जाना चाह रहे हैं, आइदर दे वॉन्ट टू गो फॉर UPSC, दे वॉन्ट टू गो फॉर NDA, दे वॉन्ट टू गो फॉर IIT, दे वॉन्ट टू गो फॉर NEET, दे वॉन्ट टू गो फॉर जुडिशरी, ये सारे के सारे ऑप्शन हम 5 तारीख को जो सेमिनार होने वाला है 5 जून को, और उसमें जितनी भी पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम होंगी उनका 1-स्टॉप सॉल्यूशन हम लोग इस सेमिनार के अंदर देने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए, दिमाग में कहाँ से आते हैं आइडियाज़? लोगों को होता है आपकी क्लासरूम मैंने देखे हैं, भरे पड़े हैं सारी चीज़ें, तो माँ बाप की टेंशन क्यों लेते हो? या फिर मतलब एक बिजनेसमैन की तरह नहीं चलते क्या? हरियाणवी देसी जो एक टेंशन लेके चलता है सबकी टेंशन, भाई जैसे हनुमान जी की कहते थे टेंशन राम की थी और ले हनुमान जी ने ली, तो वैसे आप ले रहे हो सबकी टेंशन, माँ बाप की टेंशन है और अब कोई टेंशन नहीं होने वाली माँ बाप की आप लोग। सर हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं और मैं निरंतर मतलब लगातार साला सजाता रहता हूँ, इवन दुश्मन भी वहाँ से जाके नौकरी लगे हैं सर। और यही मैंने सीखा है कि आप दूसरों की टेंशन लो क्योंकि अपनी जगह की सेवा करना सर बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस प्रकार से जो अभिभावकों के क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करना, उनको रिजोल्व करना, उनके इशू को रिजोल्व करना, और सबसे मेन एक बच्चे के बढ़ते हुए कदम को देखना बहुत बहुत प्राउड फील देता है। जब रात को तकिए पे सिर लगता है तो लगता है कि ऊपर वाले का नाम है और ऐसे ही गाड़ी चलती रहनी। और 5 तारीख को मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितना आप लोगों ने भिवानी में रह के प्यार दिया है, 5 तारीख को एक बार अपने बच्चे को लेके आना। एक वो सेमिनार है, स्कॉलरशिप टेस्ट है साथ में, जो बच्चे 10वीं पास अभी हो चुके हैं 10th पास वाले बच्चों को एक अच्छी लाइन देने के लिए और उनका जो गोल है उसके लिए मैं आप लोगों का एश्योरेंस देता हूं कि डेफिनेटली आपके बच्चे को बेनिफिट होगा। और स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है शर्मा जी, जो टेस्ट रखा है मैं एक वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ सर, और ये रिक्वेस्ट है कि इस लाइन को दिखा देना वीडियो के स्टार्टिंग में। अगर कोई होनहार बच्चा है और अगर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू है तो डिफेंस गुरुजी अपॉर्चुनिटी लेगा और उसके इशू को रिजोल्व करके दिखाएंगे हम। फाइनेंस बाधा नहीं बनने देंगे सर, पैसा आपके सफलता के मार्ग में अड़चन नहीं आएगा, ये हमारा वादा है भिवानी वालों से। ये कमाल होने वाला, अच्छी सोच। और एक टीचर शायद आज एक गुरु शिष्य का जो नाता होता है ना वो पैसे में नहीं तुलता, जो तोलते हैं और जो बोलते हैं सिर्फ कि पैसा चाहिए, तो शायद अच्छा पढ़ा भी नहीं पाते होंगे मेरे तरीके। मैं कहूँगी इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, इतने बड़े बड़े प्रमोशन कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े अखबारों में उन्होंने डाल दिया, तो मेरे हिसाब में वो धन कलेक्ट करने में लगे होते हैं कि कैसे अपना जो फाइनेंस है, जो डिपार्टमेंट है उसको कैसे मैनेज करें। बच्चों की एजुकेशन हो ना हो उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर होने वाला है कमाल। और सर बैठे हुए हैं सामने, मुस्कुराहट इनके चेहरे पर दिख रही होगी। सर ऑफिसर बनाने के लिए स्पेशल, जिस तरीके से पहले सर मैंने सुना है कि आप तो बड़े बड़े इंटरव्यू लिया करते ऑफिसर बनाया करते बच्चों के, तो आज भिवानी में आप बैठे हैं स्पेशली, तो बच्चों भिवानी के बच्चों के भविष्य बदलने वाले। देखिए ये जो ना भिवानी के लिए अपॉर्चुनिटी है, और पहले तो जो जितने 10th क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स पास किए उनको कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद जिन्होंने NDA CDS जो लास्ट वीक रिज़ल्ट आया था उनको मुबारक हो।
अभी टेंथ के बाद 11th और 12th क्लास जो आती हैं तो उसमें बच्चा अपना करियर के बारे में सोच लेता है, उसी को ध्यान में रखते हुए उसको गाइडेंस देने के लिए काउंसलिंग के लिए हमारे पास 5th of June को काउंसलिंग बैच किया है, सेमिनार रखा है, उसमें हम उस बच्चों को आगे गाइड करेंगे। अगर किसी बच्चे ने अभी तक अपना प्लान नहीं किया है तो उसकी करियर कैपेबिलिटी देख करके हम उनको गाइड करेंगे, उसी हिसाब से उसका स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे। और वो सब करने के बाद में जो कैंडिडेट्स NDA CDS के पास किए हैं उनके लिए हम SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का 6 जून से प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हम ऑफिसर्स की कंप्लीट ट्रेनिंग देंगे, ऑफिसर्स के ट्रेंड टेक जितने जो तीनों टैक्स हैं उनके द्वारा। तो ये ऑफिसर्स बनने का अपना कैरियर चूज करने के लिए एक राइट कैरियर, ये भिवानी के बच्चों के लिए और एक पेरेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है इस सेमिनार के थ्रू, इस बैच के थ्रू। जी, एक स्पेशल बात आपसे शेयर करने वाला हूँ सर, मुझे ये बता दीजिए ये सेमिनार है ये कोई फीस व्यास होने वाली है क्या इसमें? इस सेमिनार की सर कोई फीस नहीं है, स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जा रहा है, एक पैसा आपसे लेंगे नहीं, जो अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा बदले में कुछ देंगे, लेंगे नहीं, पहले भी मैंने कहा है कि ये भिवानी वालों से कुछ लेंगे नहीं, बदले में कुछ देंगे। और ये जो अभी सर ने जैसे बताया कि 10वीं के बाद जो फाउंडेशन बैच शुरू होने वाले, आप लोग जानते हैं कि आने वाले 2 साल आप लोगों के भविष्य को निर्धारित करेंगे, और आप लोगों ने मतलब जो मेहनत जो बच्चों के लिए जो आपके मन में जो गोल है, जो बच्चों के जो सपने हैं, उनको कहीं ना कहीं उड़ान देने की कोशिश हम इस सेमिनार में करेंगे। और ये जो बैचेस 10वीं क्लास के बाद वाले बच्चों के जो फाउंडेशन है 11th 12th के साथ यहाँ पर जो फाउंडेशन बैच है, जिसमें कि NDS फाउंडेशन बैच है हमारा, मेरी सोच है सर कि 2 साल में तो हम बहुत कुछ बना देंगे बच्चों को, अगर सही बच्चा मिलता है। मान लो कोई बच्चा NDA के लिए आ रहा है, कोई बच्चा IIT के लिए आ रहा है, तो मैं अभी फैकल्टी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ सर, आप देखना कि कैसे बाहर के जो मेरे साथी हैं जिन्होंने मेरे साथ मुखर्जी नगर में काम किया है, जो IITs की फील्ड में बहुत अच्छे वेल नोन मतलब रिनोन नेम है, वो लोग भिवानी आके बच्चों को सेवाएं देंगे। हम लोग फॉल्स कोई भी पेरेंट्स से कमिटमेंट नहीं करेंगे सर, जो कमिटमेंट आप तो बार बार आए हो आपने देखा है, जो कमिटमेंट किए उसको पूरा करके दिखाया। और 10वीं के बाद जो बच्चे हैं एक बार एडमिशन लेने से पहले यहाँ पर आके मिलें, आप लोगों को नीट हो, IIT हो या फिर NDA जिसके अंदर एस रिजल्ट हमने दिए हैं भिवानी में आके, तो एक बार आपको उस सेमिनार को देखना चाहिए। और ये सारे के सारे सुपर 30 बैच, आप लोग जानते हैं कि 30 से ऊपर बच्चे एक क्लास में यहाँ पर नहीं है, छोटी क्लासों में तो आप 15-20 बच्चे मान के चलिए। तो क्वालिटी सबसे मेन चीज़ है सर, मॉक टेस्ट, एक बच्चे के लिए माहौल, एक बच्चे के लिए 24/7, और सबसे मेन बात जो अभिभावक गवर्नमेंट जॉब पे हैं या जिनके पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छा हॉस्टल है सर, ठीक है, बहुत पहली बार भिवानी में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो विद हॉस्टल है, वरना आपने देखा होगा सर यहाँ पर लोगों के पास खुद की जगह भी नहीं है, मतलब तो हॉस्टल वेरी टफ। तो हम लोगों ने पहले उस चीज़ को बनाया है, सर की गाइडेंस में रह के उस चीज़ को डिज़ाइन किया है, और जिस प्रकार से हमने हमारे इंस्टीट्यूट को बना रखा है, आई कैन अश्योर यू कि आप लोगों को जो नेगेटिविटी है ना माइंड की, जो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है सर, हर एक चीज़ ऑनलाइन डिजिटल सेटअप है सर। देखो आपने देखा होगा अभी सिल्वर बटन जो मुझे मिला है कॉमेडी के चैनल में बहुत जल्दी मिल जाता है सर, यूट्यूब पे हम भी देखते हैं कि छोटी मोटी वीडियो पर बहुत मिलियंस व्यू आते हैं सर, पढ़ाई के चैनल पे आए कोई व्यू लेके दिखाए सर, 12-12 घंटे जब लॉकडाउन था, और इस बार तो हम इतना प्रिपेयर थे कि अगर लॉकडाउन लगता तो हमारे घर की दरवाज़ा इस बार खुटखटाते, कि वो पैसे में सर इतने कम पैसे में वो चीज़ देंगे जो आप पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते सर। मैं मेरे जीवन का 7 साल का निचोड़ इस भिवानी शहर में उतारना चाहता हूँ, जो मैंने सीखा है, जिस प्रकार से हमने नौकरियाँ बांटी हैं मुखर्जी नगर में सरकारी नौकरी, और जो गांव वाले हैं भाई तैयार है ना, तुम्हारे अंदर सिपाही बनने का जज्बा नहीं, तुम्हारे अंदर अफसर बनने का जज्बा है, बस कंडीशन ये है तुम रिस्क लो, आप रिस्क लोगे हम आपको उस हाइट पर लेके जाएंगे जो आपने कल्पना भी नहीं की है, विल मेक यू एन ऑफिसर यार, लीडर इज ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल, लीडर इज ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो वो चीज़ भिवानी के शहर को हम देना चाहते हैं। पेरेंट्स से खास तौर पर अपील है कि आप फेडअप हो चुके हैं पुराने एजुकेशन सिस्टम से, कम ज्वाइन अस, यू विल फील द डिफरेंस व्हाट काइंड ऑफ स्टफ वी विल डिलीवर। और बाकी आपको पता है सर, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कहने से कुछ नहीं होगा, करने से सब कुछ होता है सर। एक बात मुझे बताइए, इस सेमिनार में बाहर से कौन लोग स्पेशल आने वाले हैं? और एक बात आपसे ये करूँगा मैं फिलहाल, कि माँ बाप के या फिर बच्चों के कौन से सवाल होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कौन से सवाल पेरेंट्स के दिमाग में घूमते हैं, बच्चे के दिमाग में 10वीं करने से पहले या 10वीं करने के दौरान घूमते हैं? देखिए सर, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है आप लोग जानते हैं कि 12th इज़ द लास्ट स्टेज, उसके बाद ही वेरियस फील्ड ओपन होती हैं। तो 10वीं के बाद कहीं ना कहीं पेरेंट्स को मिला था कि 11th 12th कैसा हो, क्योंकि 11th 12th का सिलेबस आता है सर, IIT हो, नीट हो, NDA हो, है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो मेजोरिटी लेवल में, वो यहाँ पर 10th के बाद 11th 12th का सिलेबस ही आता है। तो उसी 11th 12th, देखो क्या ना सर, समुंदर है, हम प्रशांत महासागर में हैं, ज्ञान इतना है कि जितना लो उतना ही कम है सर।
प्रशांत महासागर में भी मैं कहना चाहता हूँ कि डुबकी वहीं लगाने जहाँ से मोती मिले सर, मतलब पढ़ना वही चीज़ें जहाँ से एग्जाम में आए। ज्ञान लेने के लिए, पीएचडी करने के लिए बहुत लंबी उम्र है शर्मा जी, कभी भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। लोग 50 साल के होने के बाद डबल एम ए डबल डिग्रियाँ ली उन्होंने, लेकिन अभी इट्स ए राइट टाइम, इट्स ए हाई टाइम टू टेक डिसीजन, टू टेक राइट डिसीजन। तो वो कहीं डिसीजन आपका गलत ना हो जाए, वो डिसीजन हमें देना है। और इस पर्टिकुलर सेमिनार में मेरे जितने भी साथी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे हैं, जो क्लास वन हैं, जो जुडिशरी में हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, जो डिफेंस में हैं, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, पहले यहाँ के लोग बाहर जाया करते। मैंने वादा किया था जिस दिन हम यहाँ शुरू करेंगे लोग बाहर से आएंगे, और लोग बाहर से आ रहे हैं। हमारे वाले बच्चे रोहतक जाया करते, हमारे वाले बच्चे हिसार जाया करते। अभी आप थोड़ा सा वेट करो सर, बैक गियर लग गया है, अब वो गाड़ी उल्टी आ गई है, अब वो गाड़ी भिवानी आएगी। और ये पूरी कोशिश है कि भिवानी में वो चीज़ दें और सबसे कम फीस पे। मैं फीस बार बार बोलता हूँ क्योंकि आज क्या पता 10 साल पहले शर्मा जी हमारे पेरेंट्स सोचा करते काश के बच्चे को कुछ हेल्प कर दे, तो हमने हेल्प लोगों ने हमें की हेल्प, तो हम भी चाहते हैं कि आज बदले में वो हेल्प दें लोगों को। यार गिव ऑलवेज ए हेल्पिंग एंड टू अदर सर। तो क्या लगता है जिस तरीके से बच्चा जो आएगा, एक सवाल आपसे ये ले लेता हूँ कि जिंदगी बदलने वाली क्या उस बच्चे की जो आ गया इस सेमिनार में? जिंदगी इसलिए बदलेगी क्योंकि सर एक जो अच्छी चीज है ना, एक छोटा सा गाइडेंस व्यक्ति का जीवन प्रभावित कर सकता है सर। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा, कई बार हम यूट्यूब में क्लिप देखते हैं सर, कोई ऐसा आइडिया मिल जाता है कि लोग बदल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स के लिए वो आइडिया है। आप लोग आएंगे, अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में और फिर भी कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शंस की कमी होती है भिवानी शहर में, सर आप जानते हैं हर कोई कहता है कि ये नहीं है वो नहीं है, अब आके देखो सर, आप हम बताएंगे भिवानी शहर में क्या चीज़ है। ये चीज़ आपने देखी है सर, ये खिलौने हैं सर, बहुत महंगे खिलौने हैं, और मैं जानता हूँ इन खिलौनों में बैठने वालों की बारी अपने वालों की है ये। और मैं एक बात बता दूँ, इसके लिए ना आप बैठ ही नहीं सकते सर, एक आम व्यक्ति, इसके लिए आपको ड्राइविंग सीट पे आना पड़ता है। और ये छोटा सा खिलौना 700 करोड़ रुपए का है, इतनी महंगी चीज़ें आपको उड़ाने के लिए एक आम नागरिक अंबानी के पास भी नहीं है सर, है ना। और यहाँ पे वो चीज़, वो लाइसेंस मिलने वाला है सर। बस का लाइसेंस ले सकते हो आप, इनका लाइसेंस हम देंगे सर तो ये लाइसेंस मिलने वाला है पेरेंट्स को। कमाल की बात है, यहाँ पर एयरक्राफ्ट का आपको लाइसेंस मिलने वाला है, ये बड़ी कमाल की बात है। और एयरफोर्स का होने वाला है, ये तो सपना होता है सर हर किसी का, ये किसी के लिए भी बहुत बड़ा सपना है। और उस सपने को साकार करने में हम बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करें, हम उसको मोटिवेट करना, गाइड करना, उसको बताना, उसका करियर काउंसलिंग करना। और हम एश्योर करते हैं उन बच्चों को जिनमें एक जोश है, जिनमें एक जुनून है और जो कुछ करना चाह रहे हैं, हम उनकी पूरी मदद करेंगे और हम तय दिल से करेंगे। हम उनको वो शिक्षा देंगे जो यहाँ कहीं आसपास नहीं है। देहरादून के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, कभी हम उनसे मिलाएंगे हम आपको जी। तो ये हमारा वो है। तो ये स्पेशली और लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे कुछ? एक चीज़ और, सर ने कहा देहरादून के बच्चे हैं, मैं कहता हूँ कैंपस में आकर देखो, सीकर वाले भी आए हुए हैं, वो फीस से कंपैरिजन करेंगे, हम क्वालिटी भी आपको देंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट मेरा पूरा हक है मेरे एरिया को देने का। जैसे मैंने मेरी कॉलोनी को सर्व किया है सर, मेरी पूरी कोशिश है भिवानी के प्रत्येक नागरिक को हम सर्व करें। एक बार ज़रा सेवा का अवसर दीजिए, लॉकडाउन में बच्चे काफ़ी हद तक डाउन चले गए हैं, लेकिन अब उठाने का समय है, उठाने के लिए सही जगह होनी चाहिए सर, वो सही जगह देंगे। प्रतीक दलाल कितने रुपए की नौकरी अगर वहाँ पढ़ा रहे होते तो आज कितने रुपए कमा रहे होते, मान के चलें कितने रुपए का काम छोड़ के आ गया? ये चीज़ें तो सर मैं क्या डिस्क्लोज करूँगा, उसका कंपैरिजन नहीं है सर। कुछ बातें होती हैं जो ना कहें तो अच्छी हैं सर, ये चीज़ें तो ठीक है। पढ़ा रहे थे बहुत लंबे टाइम, 12-12 घंटे पढ़ाया, मैं 12 शहर पढ़ा गया हूँ, अलग अलग राज्यों में मैं गया हूँ, पैसे की कोई तुलना की नहीं सर। अगर पैसा कमाना होता तो मैं यहाँ नहीं आता सर, पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ा मार्केट था। ऑनलाइन मैं टॉप एजुकेटर रहा हूँ, ठीक है, और आप देखेंगे कि अभी आपको बच्चे किस किस राज्य से आते हुए मिलेंगे, तो हमारी सफलता हमारी इनकम बताएगी सर। पैसे की वो इनकम नहीं है, सिलेक्शंस हमारी सबसे बड़ी इनकम है सर। जो बच्चों के हमने 2000+ एयरमैन लगे हैं, 100+ ऑफिसर सिलेक्शन रहे, ऑल इंडिया रैंक 1 तक हमने हमारे उसमें दिया है, और अब बारी IIT और नीट को कॉन्कर करने की है सर, ज़रूर बदलाव पैदा करेंगे। तो कमाल होने वाला है, 5 तारीख को आइए एक बार भिवानी के डिफेंस गुरुजी में, एड्रेस आपको नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कमाल धमाल होने वाला है, जो भी 5 तारीख को यहाँ पर आएगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर लेके जाएगा। और यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की बात करें या फिर अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी काबिल और काफ़ी अहम ओहदे वाले लोग पहुँचने वाले हैं, जो कि आपके बच्चे का भविष्य तय करेंगे 5 तारीख को। और सबसे ज़्यादा भविष्य तय करने में एक माँ बाप की जो अहम भूमिका होती है, वो आप 5 तारीख को जरूर निभाएं ताकि आपके बच्चे का भविष्य सबल और सफल बन चुके।
प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, जितने लोग भी देख रहे हैं, आपके पड़ोसी के बच्चे को आप सफल बना सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, अपने दोस्त को सफल बना सकते हैं, अपने रिश्तेदार को सफल बना सकते हैं। सिर्फ एक शेयर का बटन दबाना है और कमेंट करके ज़रूर लिख दें इस टीचर की जो सोच है और सर की जो सोच है वो भिवानी में कितना बदलाव लेके आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।